हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर सिक्स ऑफ ज्योग्राफी, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, इन विच यू विल रीड देयर आर 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशियंस। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ कॉन्टिनेंट और ओशियंस के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। बेटा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आप लोग ध्यान सुनिएगा कि 7 कॉन्टिनेंट और ओशियंस। तो सबसे पहले बेटा एक प्लेट हुआ करती थी, यही जो प्लेट टूटे, इन प्लेटों के टूटने की वजह से 7 कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ था। पहले वन प्लेट होती थी उसको पेंजिया कहा जाता था और एक प्लेट ओशियंस की होती थी, मतलब सारे कॉन्टिनेंट को मिलाकर एक प्लेट होता था जिसे हम लोग पेंजिया कहते थे, और जितनी वाटर बॉडीज़ हैं ओशियंस हैं उनको मिलाकर एक प्लेट होती थी जिसे पैंथालासा कहा जाता था। अब यही प्लेट्स जब टूट जाती हैं तो उससे और भी कई 5 ओशियंस का निर्माण होता है और 7 कॉन्टिनेंट बन जाते हैं। तो यही जो प्लेटों के टूटने का सिद्धांत है इसे हम लोग टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, टेक्टोनिक फोर्स कहते हैं, जो प्लेट्स टूट रही हैं, ठीक, प्लेटों का टकराना है, टेक्टोनिक फोर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस देयर आर कॉन्स्टेंट बट वेरी स्लो चेंजेस ऑन द अर्थ सर्फेस। क्या कहा गया कि टेक्टोनिक फोर्स की वजह से स्लो ही सही लेकिन हमारे अर्थ सरफेस में, हमारे पृथ्वी की सतह में चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट देयर आर डिफरेंट लैंडफॉर्म एंड वाटर बॉडीज। तो यही टेक्टोनिक फोर्स की वजह से जो हमारे अर्थ सरफेस में चेंजेज हो रहे हैं उसके रिजल्ट में, उसके परिणाम स्वरूप ये देखा गया कि बहुत सारे लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज़ का निर्माण हो गया। द लार्ज लैंडफॉर्म आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। तो जितना भूभाग है, जितनी लैंड्स हैं उनको कॉन्टिनेंट कहते हैं, वाइल लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। जबकि जो लार्ज वाटर बॉडी है जहाँ पानी ही पानी है उसे हम लोग ओशियंस कहते हैं, जहाँ वाटर टू वाटर है उसे हम ओशियंस यानी कि महासागर कहते हैं। द लार्ज डाइवर्सिटी इन लैंड फॉर्म हैज़ लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स। तो यही जो लैंड फॉर्म्स का डिवीज़न हुआ है, ये जो लैंड फॉर्म भी कई तरह के हैं, इसके इस तरह की लैंड फॉर्म्स के विकास की वजह से कई तरह की डाइवर्सिटी हम लोगों देखते हैं, विभिन्नताएँ देखते हैं, जो कई तरह के कॉन्टिनेंट का निर्माण हो जाता है। कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आर द 7 कॉन्टिनेंट। बेटा मैंने आप लोग को 7 कॉन्टिनेंट बताया, आपके लिए होमवर्क है, यू हैव टू टेल इन विच कॉन्टिनेंट इंडिया लाइज, किस कॉन्टिनेंट में इंडिया है, हमारा भारत है। तो 7 कॉन्टिनेंट सभी को लर्न करने हैं। द टर्म कॉन्टिनेंट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वेरियस लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ इन टू विच द लैंड सरफेस इज डिवाइडेड। कॉन्टिनेंट का मतलब ये है कि ये जो अर्थ का लार्ज सरफेस है, इसी लार्ज सरफेस को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसी पार्ट को कॉन्टिनेंट कहा गया है। सो अ कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज कॉन्टीन्यूअस एरिया ऑफ लैंड ऑन द सर्फेस। कॉन्टिनेंट क्या है? तो जो सरफेस एरिया, जो लार्ज सरफेस एरिया है हमारे, जो लार्ज एरिया है हमारे लैंड का, हमारे अर्थ सरफेस का, तो अर्थ सरफेस का जो भी लैंड एरिया है उन सभी को मिलाकर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ है, महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। क्लियर बेटा? तो फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। लेट्स सी नेक्स्ट।